A uniform chain of length L and mass M is lying on a smooth table. One third of its length is hanging vertically down over the edge of the table. If G is acceleration due to gravity, the minimum work required to pull the hanging part of the chain on the table. तो ऐसा सवाल हमने पहले भी एक डीपीपी में किया हुआ है. चलिए, तो ये चेन है और इस चेन का जो टोटल मास है वो हमें दिया हुआ है कैपिटल एम, और इसकी टोटल लेंथ दी हुई है कैपिटल एल, और इसका वन थर्ड पार्ट जो है वो हैंग कर रहा है. ये जो पार्ट है वो कितना है, वन थर्ड, यानी कि एल डिवाइडेड बाय थ्री. ठीक, और हमें ये पूछा गया है इस पार्ट को अगर मैं ऊपर की तरफ पुल करूँ, खींचूँ, तो कितना वर्क करना पड़ेगा. चलिए, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने एक एलिमेंट लिया, छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं, छोटा सा एलिमेंट यहाँ पर ले रहा हूँ मैं. ये एलिमेंट है डी एक्स और इसका मास कितना है डी एम, और ये यहाँ से एक्स हाइट नीचे, कितना हाइट, एक्स हाइट नीचे. अगर मैं इसको ऊपर की तरफ पुल करता हूँ विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, विदाउट एक्सेलरेटेड मोशन, अगर मैं इसको क्या करता हूँ ऊपर की तरफ पुल करता हूँ, तो कितना वर्क करना पड़ेगा, वर्क इज इक्वल टू एम, छोटा सा मास है डी एम, जी इंटू कितना हाइट ऊपर ले गया मैं इसको, एक्स हाइट ऊपर ले गया. ठीक, तो कितना हो गया डी एम जी इंटू एक्स, छोटे से मास को एक्स हाइट पर ले जाने में वर्क डन, ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा क्योंकि ग्रेविटी नेगेटिव वर्क करेगी. वर्क एनर्जी थ्योरम से क्या आ जाएगा, वर्क डन बाय द फोर्स इज इक्वल टू डी एम जी एक्स. ये हम ये भी कह सकते हैं कि हम फोर्स टेंशन ऊपर की तरफ लगा रहे होंगे, तो फोर्स ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, तो डी एम जी एक्स, कैसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो वर्क के ग्रेविटी के अगेंस्ट मेरे को वर्क करना पड़ा कितना, डी एम जी एक्स, इस छोटे से मास को, डी एम मास को ऊपर की तरफ एक्स हाइट पर खींचने के लिए विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या विदाउट एक्सेलरेटेड मोशन. ठीक, तो डब्ल्यू ये कैसा है, छोटा सा वर्क है, डी डब्ल्यू कैसा वर्क है, छोटा सा वर्क है. तो अगर मैं डब्ल्यू निकालना चाहूँ तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. ठीक, तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, डी एम जी इंटू एक्स, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, एल बाई थ्री से, सॉरी जीरो से एल बाई थ्री, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से एल बाई थ्री तक मेरे को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. अब डी एम भी लिख देते हैं यहाँ पर, डी एम कितना है, डी एम ये छोटा सा मैंने एलिमेंट लिया है उसका मास कितना है, एम बाई एल इंटू डी एक्स. ठीक, तो यहाँ पर आ जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो टू एल बाई थ्री, डी एम की वैल्यू कितनी, एम बाई एल डी एक्स इंटू जी इंटू एक्स. ये आ जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो टू एल बाई थ्री. एक काम करते हैं, एम बाई एल को बाहर ले लेते हैं, ये हो जाएगा एम बाई एल, जी को भी बाहर ले लेते हैं, ये हो जाएगा जीरो टू एल, टू एल बाई थ्री एक्स डी एक्स. ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, एम बाई जी, सॉरी एम जी डिवाइडेड बाई एल, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से एल बाय थ्री तक. ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एम जी एल डिवाइडेड बाय एटीन. तो इतना वर्क डन हमें करना पड़ेगा. हमने किया कुछ नहीं है, हमने एलिमेंट लिया है, एलिमेंट को हम छोटा सा एलिमेंट लिया है डी एक्स, एक्स हाइट नीचे, डी एम उसका क्या होगा, मास होगा, उसको ऊपर खींचने में जो वर्क करना पड़ेगा छोटा सा वर्क होगा डी एम जी एक्स, और एल बाई थ्री को ऊपर खींचने के लिए टोटल लेंथ को हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन निकालने के लिए इंटीग्रेशन का यूज़ करना होगा. तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर